नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल से करें आवेदन, मुखिया और वार्ड सदस्य को मिली अहम जिम्मेदारी। बिहार शिक्षा विभाग मदरसों में करेगा शिक्षकों की नियुक्ति। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन परोसने से आधा घंटा पहले भोजन को चखेंगे हेडमास्टर। उत्तर प्रदेश में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे बिहार के 6 जिले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल से करें आवेदन। बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन के लिए 25 अप्रैल से पोर्टल खुल जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन में ₹1,000 शुल्क देना होगा। आवेदन की राशि ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। अगर किसी कारणवश आप निर्धारित समय पर आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आप 18 मई से 21 मई तक लेट फाइन के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 9 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। आपको बता दें कि राज्य भर में करीब 330 कॉलेज में लगभग 35,000 सीटें हैं। सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स 35% और आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा गया है। मुखिया और वार्ड सदस्य को मिली अहम जिम्मेदारी। बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्य को अहम जिम्मेदारी मिली है। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के पंचायती सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने पीएचईडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब पड़े चापाकलों को एक सप्ताह में ठीक करें। भूजल की निगरानी के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप में जलापूर्ति योजना के पंप ऑपरेटर, मुखिया, वार्ड सदस्य, गांव के प्रभावी व्यक्तियों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। बिहार में आग उगलती गर्मी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पेयजल की समस्या होने और पेयजल स्रोतों की मरम्मत की आवश्यकता होने पर शिकायत सुझाव साझा किया जा सकेगा। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। एक ओर जहां बिहार के कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आंधी और बारिश ने कोहराम मचा दिया है। बिहार में अचानक बदले मौसम ने तबाही मचाकर रख दी है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा में आंधी और बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ फसलों को नुकसान हुआ है। आम और लीची के बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। कई इलाकों में बिजली भी बाधित रही। वहीं सीतामढ़ी में घर के दीवार गिरने से जान की क्षति भी हुई है। बिहार में बदले मौसम की वजह से आम जनजीवन को एक और नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। हालांकि अभी भी राजधानी वासियों को इस भीषण गर्मी से खास राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राज्य के 146 आईटीआई कॉलेज में 15 नए कोर्स किए गए शामिल। बिहार के आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 146 आईटीआई कॉलेज में 15 नए कोर्स को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 15 नए पाठ्यक्रम शामिल होंगे। ये वैसे पाठ्यक्रम है जो मौजूदा समय में बाजार की मांग को पूरा करेंगे। इन पाठ्यक्रमों से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, साथ ही राज्य की औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत को भी पूरा करेगा। इन पाठ्यक्रमों के शुरू करने पर मुहर लग गई है। मौजूदा समय में बाजार की जरूरत में बदलाव हुआ है। इसी को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने आईटीआई में बदलाव करने का निर्णय लिया है। बिहार वासियों को मिली कोरोना से राहत भरी खबर। एक ओर जहां देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर मिली है। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए कोरोना अपडेट में कुल 70,391 मरीजों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें मात्र एक ही मरीज की पुष्टि हुई है। कोरोना का ये एक मामला लखीसराय का है। इसके बाद बिहार में अब कुल एक्टिव केस बढ़कर 13 हो गए हैं। वहीं एक कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। वहीं देश भर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बुधवार यानी कि आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2067 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले कुल 12,340 है। निकाय चुनाव में अब तक नए आरक्षण का नहीं हुआ प्रावधान। बिहार के निकाय चुनाव में अब तक नए आरक्षण का प्रावधान नहीं हुआ है। इस प्रावधान को लेकर लोगों के बीच संशय की स्थिति बरकरार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया जाना है। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए ही राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन करना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आरक्षण के फैसले को सभी राज्यों को पालन करना होगा। वहीं महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया है कि अभी इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जिसके बाद इस विषय को लेकर लोग भी चिंतित हैं। बिहार शिक्षा विभाग मदरसों में करेगा शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार शिक्षा विभाग मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति करने वाला है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग बिहार के मदरसों में हाफिज और मौलवी सहायक की नियुक्ति करेगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदनों के आधार पर मेधा सूची और चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा। नियुक्तियों से पहले काउंसलिंग की जाएगी। जैसा कि पहले भी शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया था कि स्थानीय स्तर पर नियोजन में सीटीईटी, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से और फोकानिया और मौलवी स्तर पर एसटीईटी उत्तीर्ण
अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि मौलवी स्तर तक मदरसा में कुल 15 पदों में 10 पद शिक्षकों के होंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे बिहार के 6 जिले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार के अब आधा दर्जन जिले जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बिहार के भागलपुर तक होगा, जिससे बिहार के 6 और जिले जुड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि 4 और 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे की लंबाई बक्सर से भागलपुर तक करीब 350 किलोमीटर होगी। ये पूरी तरह ग्रीन फील्ड होगी, यानी कि सड़क का पटना से भागलपुर तक नए तरीके से निर्माण होगा। इससे पटना से भागलपुर जाना बेहद सुगम हो जाएगा और समय भी काफी कम लगेगा। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार से दिल्ली तक का आवागमन आसान हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में मध्यावहन भोजन परोसने से आधा घंटा पहले भोजन को चखेंगे हेडमास्टर। सरकारी स्कूल में दोपहर के खाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि स्कूलों में बनने वाले दोपहर के खाने को बच्चों को परोसने से आधा घंटा पहले चखना होगा। यही नहीं, बच्चों के साथ बैठकर उसी कतार में खाना भी खाना होगा, ताकि अपनेपन की भावना जागृत हो सके। ये दिशा निर्देश 28 मार्च को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दी गई थी। हालांकि अब एक बार फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित करे। राजधानी पटना के कुल 138 कोचिंग सेंटर बंद करने को लेकर भेजा गया नोटिस। राजधानी पटना के कुल 138 कोचिंग संस्थानों को अयोग्य पाते हुए बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दी है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बीते दिन समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान यानी नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया है। वहीं डीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 111 कोचिंग संस्थानों को जांचोपरांत अयोग्य पाते हुए अस्वीकृत किया गया और इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है। बाकी बचे 211 आवेदनों में से बीते दिन की गई बैठक में कुल 153 आवेदन पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया है और 27 जांचोपरांत निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 1,34,000 बच्चे स्कूलों से हुए वंचित। कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है, जो निराशाजनक है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से कराए गए सर्वे में कोरोना से प्रभावित शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान प्रदेश में 1,34,000 से अधिक बच्चे स्कूलों से बाहर रहे। इनमें 68,537 बच्चों ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। साथ ही 65,715 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में नामांकन भी नहीं करवाया। स्कूल से बाहर चल रहे बच्चों में ज्यादातर 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं। अगर वर्ग के हिसाब से देखें तो करीब 1,00,000 से अधिक बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं। इसमें SC/ST वर्ग के बच्चों की संख्या भी चिंताजनक है। IGIMS ने कोरोना के खतरे को लेकर पूरी कर ली तैयारी। कोरोना की चौथी लहर को लेकर बिहार पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेकर राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल में से एक IGIMS ने तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना वायरस की चौथी लहर को देखते हुए IGIMS के अधीक्षक ने कहा है कि इस बार कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना के मरीज जो भी है उनमें ज्यादातर सर्दी खांसी की शिकायत देखी जा रही है। जान का कोई खास खतरा नहीं है, फिर भी लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोरोना गाइडलाइन में कहा गया है, उसका पालन करना चाहिए। लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिससे कोरोना का संक्रमण कम हो। VIP का राजद में विलय होने को लेकर बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को राजद में शामिल होने का ऑफर मिला है। दरअसल बोचहा विधानसभा सीट पर भाजपा की हार और राजद की जीत के बाद मुकेश सहनी काफी खुश नजर आए थे। इसके बाद लालू यादव के करीबी और राजद के पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि अगर मुकेश सहनी राजद में शामिल होना चाहते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है। उन्होंने ऑफर देते हुए कहा कि वो बिना कोई शर्त पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि इसका मतलब VIP का राजद में विलय समझा जा रहा है। वहीं VIP ने राजद को ऑफर देने के लिए धन्यवाद तो दिया है, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मालूम हो कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने भाजपा की हार से खुश होकर परिणाम आने के बाद मिठाई बांटी थी। तेजस्वी यादव को राजद की कमान पूरी तरह सौंपने को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में राजद की कमान संभालने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल राजद की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव को सौंप देने की चर्चा पर डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने राजद प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद के लिए ये सामान्य विषय है, जहां पार्टी माता पिता और पुत्र के बीच ही चक्कर चलता रहता है। परिवारवाद के चक्कर में पूरी तरह राजद जकड़ा हुआ है। जो लोग वर्षों से वहां सेवादार बने हुए हैं, उन लोगों को ऐसे हालात पर विचार करना चाहिए। वहीं भाजपा में सभी कार्यकर्ताओं को उनके काम के अनुसार आगे बढ़ने को मिलता है, जबकि राजद जैसी पार्टियां सिर्फ एक परिवार तक सीमित रह गई है।
राहुल ने तोड़ा विराट का रिकॉर्ड। बीते दिन खेले गए आईपीएल के 31वें मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स और फाफ डु प्लेसी की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बैंगलोर ने लखनऊ को 18 रनों से जरूर हराया, लेकिन लखनऊ के कप्तान ने बैंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान केएल राहुल ने बीते दिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ हुए मुकाबले में 24 गेंद का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान राहुल ने T20 क्रिकेट में महज 166 इनिंग्स में अपने 6000 रन पूरे कर लिए। वहीं इससे पहले 184 इनिंग्स में विराट कोहली ने 6000 रन पूरे किए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, धीरज कुमार, नुनू कुमार, सचिन कुमार, आदित्य भोजपुरी, कुमार कौशल सिंह, आयुषी वर्मा, पप्पू रंजन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपके भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।